हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी। सब आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारा एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर। हम सेकंड चैप्टर में देख रहे हैं हमारा ज्योग्राफी क्लास सेवन्थ का, हमारी पृथ्वी के अंदर। पहला हमने कंप्लीट कर लिया, सिक्स का पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम सेवन्थ का देखते हैं। तो देखो, हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। हमें तो पता है पृथ्वी हमारी एक ग्रह है और यो भी गतिशील है, हमेशा मोशन करती रहती है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। देखो, इसको इसके अंदर और बाहर हमेशा क्या होता है, लगातार परिवर्तन होता रहता है। आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है, मतलब पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किससे मिलकर बना हुआ है, इसके बारे में हम देखते हैं। एक बार आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर से करके बताइएगा। देखिए, इसको देख लेते हैं। विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक इसको खोज चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, मतलब एकदम असंभव है ना भाई, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र सतह से 6000 किलोमीटर तक गहराई खोदना होगा, तब जा पाएंगे आप। समझ रहे हैं ना। पृथ्वी का आंतरिक भाग, देखिए पृथ्वी का आंतरिक भाग हम लोग देखते हैं। अब उसके बाद से एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक सरसा केंद्रीय परतों से बना। देखो, जैसे प्याज हमें तो पता है, हम हमेशा प्याज छिलते रहते हैं, तो उस पर एक ना एक लेयर होता रहता है ना, तो इसके ऐसे पृथ्वी के पास भी बहुत सारे लेयर हैं। पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपट्टी कहते हैं। पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी सतह है ना, इसको क्या बोलते हैं, परपट्टी कहते हैं। क्या बोलते हैं, परपट्टी कहते हैं, याद रखिएगा, परपट्टी कहते हैं। सबसे पतली परत होती है, सबसे पतली परत होती है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछता है, यह महाद्वीपीय शहेती में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। कहाँ से, महाद्वीपीय शहेती में कहाँ कितना है, 35 किलोमीटर, और समुद्री सतह से देखेंगे तो केवल 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय शहेती मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिनिया जैसे खनिजों से बनी है। किससे किससे बनी है, आपसे यही पूछ लेगा कि परपट्टी किससे बनी हुई है, तो याद रखिएगा सिलिका एल्युमिनिया जैसे खनिजों से बनी। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, शियाल, सी से सिलिका तथा एल से एल्युमिनिया, ठीक है, याद रखिएगा। महासागर की परपट्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है। महासागर की जो परपट्टी है मुख्यतः किससे बनी हुई है, सिलिका एवं मैग्नीशियम से बनी। इसे सीमें कहते हैं, क्या कहते हैं, सीमें, सी से सिलिका, मै से मैग्नीशियम कहा जाता है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, महासागर की महाद्वीपी ये किससे बनी है, सिलिका एल्युमिनिया से, और वहीं अगर महासागर पूछा जाएगा तो किससे, महाद्वीप सिलिका एल्युमिनिया से और महासागर किससे, सीमे से बना हुआ है। परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल है। परपट्टी के ठीक नीचे क्या है, मेंटल है, ये देखिए, यह है परपट्टी के ठीक नीचे मेंटल है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। कितना, 2900 किलोमीटर गहराई तक फैला हुआ है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। इसकी सबसे आंतरिक परत कौन सी है, क्रोड है, देख लीजिए, ये क्रोड है ना, इसकी सबसे आंतरिक यानी सबसे अंदर की परत जो है, ये हमारा क्रोड है, क्रोड है इसकी सबसे आंतरिक परत। जिसकी त्रिज्या लगभग कितनी है, तो जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकिल एवं लोहे की बनी होती है। किसकी बनी होती है, निकिल एवं लोहे की बनी, जिसको हम निफे कहते हैं, ठीक है, नी से निकिल, फै से फेरस है। केंद्रीय कोट का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है, बहुत ज़्यादा, मतलब उच्च होता है। एक चीज़ और याद रखिएगा, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपट्टी है। आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि परपट्टी का हिस्सा कितना है, 1%, मेंटल 84% है, ठीक है, मेंटल कितना है, 84% मेंटल है एवं 15% हिस्सा क्रोट का है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, अगर आपसे पृथ्वी की त्रिज्या पूछ लेगा, देखो क्रोट की नहीं पूछा है, पृथ्वी की, तो कितना है, 6371 किलोमीटर है। अब हम सेल और खनिज देखते हैं। पृथ्वी की परपट्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी। पृथ्वी की जो परपट्टी है वो अनेक प्रकार के सेलों से बनी। पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ को प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। देखो याद रखें, पृथ्वी की परपट्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को क्या बोलते हैं, वो सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग आकार एवं गठन की हो सकती है। देखो सेल जो है ना, विभिन्न रंग आकार एवं गठन की हो सकती है, जरूरी नहीं है कि जैसा हो, ठीक है। मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार की होती है। कौन सी होती है, आग्नेय, जिसे इग्नियस सेल कहते हैं, औषधि, जिसे सेडिमेंट्री सेल कहते हैं, कैंथ्रिक सेल, जिनको मेटामॉर्फिक सेल कहते हैं। देखो अब इनके एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा हो जाता है। देखो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या होता है, ठोस बन जाता है। इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। आग्नेय सेल किसको कहते हैं, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस बन जाता है। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। आग्नेय सेल 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं। देख रहे कितना ज़्यादा लावा होता है भाई, बहुत गर्म देख के लगता है फोटो में। वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जो हम इसको लावा कहते हैं वो क्या है, द्रवित मैग्मा ही है, जो मतलब कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर ऊपर सतह पर आता है, तभी तो हमें दिखता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, जब द्रवित लावा जो है वो पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है। तेजी से ठंडा हो जाता है और ठोस बन जाता है। परपट्टी इस प्रकार से बने सेल को बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं। मतलब परपट्टी पर बने इस प्रकार के सेल को हम क्या बोलते हैं, बहिर्वेदी आग्नेय सेल कहते हैं।
इसकी संरचना महीन, देखो इसकी संरचना जो है ना महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट, अब आपसे एक चीज पूछ लेगा बेसाल्ट, उदाहरण के लिए आप पूछ लेगा बेसाल्ट या पूछा कौन सा सैल है तो आप बता दीजिएगा आग्नेय सैल है, बहिर्वेदी आग्नेय सैल। अब दक्कन का पठार जो है ना ये बेसाल्ट सैलों से ही बना है, ये चीज कई बार पूछ चुका है कि दक्कन का पठार किससे बना हुआ है, कौन से सैल से, तो याद रखिएगा दक्कन का पठार बेसाल्ट सैलों से बना हुआ है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ठंड घर, मतलब कभी कभी क्या होता है द्रवित मैग्मा जो है भूपर्पटी यानी जमीन के अंदर ही ठंडा हो जाता है, बाहर नहीं आता है। इस प्रकार बने ठोस सैलों को अंतर्भेदी आग्नेय सैल कहते हैं। देखो सिंपल सी बात है, जब बहिर्वेदी आग्नेय सैल उसको बोलेंगे जो ऊपर आकर ठंडा होता है, और जो अंतर्भेदी क्या होगा जो अंदर ही रह के ठंडा हो जाता है। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये दोनों मतलब बड़े दानों का रूप ले लेता है अंदर ही। ग्रेनाइट ऐसे एक सैल का उदाहरण है, आपसे पूछ लेगा कि ग्रेनाइट कैसे सैल का उदाहरण है तो आप बता दीजिएगा अंतर्वेदी अग्नि सेल का उदाहरण है ग्रेनाइट। अलेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए अब घर्षण पत्थरों का उपयोग ग्रेनाइट के बने होते हैं। ले का यूज हम लोग किससे बनाते हैं, ग्रेनाइट के ही पत्थरों से बना होता है, ठीक है। सेल लुढ़क कर चटक कर एक दूसरे से टकरा कर छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। देखो कभी कभी सेल क्या होता है लुढ़क कर चटक कर और एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में ये टूट जाते हैं। इन कणों को अवसाद कहते हैं, इन छोटे कणों को क्या बोलेंगे अवसाद। ये अवसाद हवा जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा कर जमा कर दिए जाते हैं। ये अवसाद दब कर एवं कठोर सेल होकर मतलब सेल की परत बनाती हैं। इस प्रकार की सैलों को औषादी सैल कहते हैं, इस प्रकार की सैलों को क्या बोलते हैं औषादी सैल। उदाहरण के लिए बरुआ पत्थर रेत के दानों से मतलब ये सब बनता है। इन सैलों में पौधा जानवर एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो कभी कभी इन सैलों पर रह रहे हैं, ये जीवाश्म भी हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं जीवाश्म, ये याद रखिएगा। चलो एक चीज और याद रखिएगा आग्नेय वाला, ठीक है। आग्नेय और औषादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेलों में परिवर्तित हो जाते हैं। एक चीज़ याद रखिएगा आग्नेय और औषादी सेल उच्च ताप और दाब के कारण किसमें परिवर्तित होते हैं, कायंत्रित सेलों में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में, चूना एवं पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से इसको याद रखिएगा। सैल हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, सैल जो होता है हमारे लिए उपयोगी तो है ही। कठोर सैलों का उपयोग सड़क घर इमारत बनाने के लिए किया जाता है। कठोर सैलों का उपयोग हम किसके लिए कहते हैं, सड़क हो गया घर हो गया इस सब बनाने के लिए करते हैं। आप पत्थरों के लिए मतलब पत्थरों के उपयोग के कई खेलों में करते होंगे, भाई हम लोग गिट्टी खेलते थे बहुत ज़्यादा। उदाहरण के लिए सात पत्थर, पिट्ठू और जिसको स्टाप या किटकिट बोलते हैं, हम लोग किटकिट बहुत खेले हैं। पांच पत्थर, गिट्टी, आप गिट्टी, हम लोग गिट्टी नहीं गिट्टी फोर बोलते थे। आप अपने दादा दादी माता पिता पड़ोसी आज से पूछकर अन्य खेलों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। देखो हम लोग को खुद पता है। एक चीज़ याद रखिएगा, ये लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है, इतना तो हमें पता है। देखिए अगर आपको नोट्स लेना होगा ना, नोट्स की प्राइस 49 रुपीज़ है, उसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है और पॉलिटी भी है, पूरा आपको चैप्टर वाइज मिलेगा नोट्स, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आप ज़रूर से एक बारी के लिए नोट्स परचेज कर लीजिएगा, 50 रुपये मतलब आप समझिए 89 रुपये में पूरे हैं आपको। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए आपको जानकर ये तो आश्चर्य होगा ना कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल जो है चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। एक सेल दूसरे सेल में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, सेल चक्र। याद रखिएगा इस सेल से इस सेल में अगर परिवर्तित होता है तो इसको क्या बोलते हैं, हम सेल चक्र बोलेंगे। इस तरह से आप देख लो ना, मैग्मा से आग्नेय सेल, औषाद औषादी सेल, कायंत्री सेल, इस तरह को क्या हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेल चक्र। आप जानते हैं कि द्रवित मैग्मा ठंडा होकर आग्नेय सेल बन जाता है। ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होकर औषादी सेल का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण ये आग्नेय और औषादी सेल कायंत्रित सेल में बदल जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायंत्रित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाता है। देखो कायंत्रित सेल क्या होता है, पुनः पिघलकर क्या बन जाता है, द्रवित मैग्मा बन जाता है। ये देख रहे हैं ना, ये मैग्मा बन गया अत्यधिक ताप और दाब के कारण। यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। फिर यही द्रवित मैग्मा ये पुनः ठंडा होकर आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। इनका मतलब ये क्रम चल रहा है, औषाद में फिर उसके बाद औषादी फिर कायंत्रित, ऐसे ये लोग बदलते रहते हैं। सेल जो है ना वो विभिन्न खनिजों से बना है। सेल जो हमारा विभिन्न खनिजों से बना है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुणधर्म, निश्चित रासायनिक जो है मिश्रण है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इनका उपयोग होता है, और औषधि उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा एल्यूमिनियम से बना होता है, यूरेनियम, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कमेंट में मैंने नंबर डाल दिया है, आप उस पर व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा नोट्स के लिए। थैंक यू।